गया में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। जिले के बाराचट्टी प्रखंड के नागोबार गांव से 400 मीटर दूर घने जंगल से एसएसबी और सीआरपीएफ ने एक साथ लगाए गए 10 आईडी बम को बरामद किया। बरामद सभी आईडी 150 से 200 मीटर के दायरे में लगाए गए थे। दस आईडी में से 6 केन बम है और 4 सिलेंडर बम। सभी बमों को एक ही वायर से कनेक्ट किया गया था। बिजली के कोडेक्स तार पर जगह जगह नक्सलियों ने गार्ड भी दे रखे थे ताकि ब्लास्ट घातक और जबरदस्त तरीके से हो। बमों को सुरक्षा बलों ने जंगल में डिफ्यूज किया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे जंगल में इसकी गूंज सुनाई दी। बताया जा रहा है कि हर एक केन और सिलेंडर बम को नक्सलियों ने प्लास्टिक और कार्बन पेपर से कवर अप किया था। कार्बन पेपर से कवर अप करने के पीछे का मकसद यही होता है कि फोर्स जब डिटेक्टर लगाए तो आईडी बम पकड़ में ना आए, और प्लास्टिक से कवर का उद्देश्य यही होता है कि पानी से बम को नुकसान न पहुंचे। जिस जगह पर बम डिफ्यूज किया गया वहां करीब 15 से 20 मीटर के दायरे में करीब 3 से 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया। आसपास के पेड़ों के पत्ते पूरी तरह से गिर गए। खास बात ये भी है कि सभी बम महुआ और बरगद के पेड़ के नीचे या फिर उसके आसपास प्लांट किए गए थे। एसएसबी के अधिकारियों का कहना है कि नक्सली ऐसा इसलिए करते हैं कि फोर्स गश्त के दौरान आराम के लिए घने पेड़ों के नीचे ही शरण लेते हैं। बरामद सारे बमों को एसएसबी और सीआरपीएफ ने जंगल में डिफ्यूज कर दिया। बम की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि फोर्स भी तंग रह गई। फिलहाल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है और नक्सलियों को नाकाब मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।